आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर अमीशा सहर फ्रॉम ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वीवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक फलाही तंजीम है जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में अपना किरदार वक्तन फवक्तन अदा करती है। ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल 27 रमज़ान मुबारक को बाजार मेहरबान का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बहुत सारी अशिया अपने हम वतनों के लिए मौजूद होती हैं। और इस बाजार का मेन मकसद ईद से पहले ईदी देना है। तो आइए बाजार का विज़िट करते हैं और जानते हैं कि इस बार ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हम वतनों के लिए क्या अहतमाम किया है और बाज़ार में क्या क्या अशिया मौजूद हैं। आइए विजिट करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है ऐश का बाजार मेहरबान जो कि आप देख सकते हैं ये किसी कॉमन बाजार की तरह है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी जो अहम खासियत है वो ये है कि यहाँ पर हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। कपड़े, ज्वेलरी, स्लिपर्स, हर चीज़, मेहंदी, चूड़ियाँ, पर्दे, चादरें, बैग्स, इवन राशन का तमाम तर सामान जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हर चीज़ हर आने वाले शख्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। और क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो इंतहाई बेहतरीन अंदाज से दी जा रही हैं और क्वालिटी वाइज दी जा रही हैं। ये बैग्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ हर आने वाली लेडी को और जेंट्स को, उनकी लेडीज़ के लिए ये बैग्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कुशन्स, कर्टन्स, चादरें, ये सारी चीज़ें इन तमाम तर लोगों के लिए हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं लेकिन वो हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। उनके लिए ये सामान यहाँ पर ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रखा गया है और तमाम तर सामान इन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इस बाज़ार की क्वालिटी और इस बाज़ार की जो रौनक है वो यहाँ आने वाले हमारे हम वतन अफराद हैं जो कि ये सामान लेंगे और इससे अपनी ईद की खुशियाँ मनाएंगे। आप ये सामान चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, हर तरह से एक ईद का समा यहाँ लगाया गया है, बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर स्लीपर्स आप देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की और बिल्कुल न्यू स्टॉक यहाँ पर मौजूद है बच्चियों के लिए, ताकि हर शख्स अपनी ईद बहुत खूबसूरत तरीके से मना सके। ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश होती है कि हर शख्स ईद अपने घर में बहुत अच्छे अंदाज से मनाए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत ड्रेसेस मौजूद हैं, बच्चों के, बच्चियों के शर्ट्स भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रेसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जोड़ा बहुत ही प्यारा है। और इसी तरह बाकी ड्रेसेस भी हैं जिसमें लॉन कॉटन भी मौजूद है और साथ ही शादी ब्याह के लिहाज से भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन के ड्रेसेस हैं और तमाम ड्रेसेस पर साइजेस मेंशन हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हों। और हर तरफ जहाँ आप देखेंगे माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन, जैसे कि जोड़ा आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो ये हर तरह से ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि हमारे जो हम वतन अफराद हैं, हम सबके जो बहन भाई हैं, वो अपनी ईद बहुत प्यारे, बहुत अच्छे अंदाज से मनाएं। बच्चियों के लिए बखूबी बहुत खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर ये बाज़ार लगाया जाता है। बच्चियों के लिए बहुत प्यारे ड्रेसेस, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगाए जाते हैं ताकि बच्चियाँ भी खुशी खुशी अपनी ईद मनाएँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनें और अच्छी तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करें और आपको और हमें दुआओं में याद रखें। लेडीज़ के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अबाए भी मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रेसेस तो दूर दूर तक आपको नज़र इंशाल्लाह आएंगे। और ईद के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब चीज़ें बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लगाया गया है ताकि हर लेडी अपनी ईद बहुत प्यारे अंदाज से मना सके। और जैसे कि ईद की सौगात यही सारी चीज़ें हैं, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, इन सब चीज़ों से तमाम लोगों की ईद बहुत प्यारी गुजरती है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रॉकरी मौजूद है और घरेलू अशिया जो भी हमारे इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। इसके साथ साथ सब्जियाँ जो कि हर घर की ज़रूरत है, बेसिक नीड के हवाले से हर चीज़ यहाँ पर एक नॉर्मल बाज़ार की तरह मौजूद है। ऑयल हो, चावल हो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग आपस में रेगुलर के घर में हम लोग यूज़ करते हैं। सेवैयाँ जो कि ईद की सौगात हैं वो भी इस बाज़ार में मौजूद हैं।
इसके अलावा आप पत्ती देख रहे हैं, नमक देख रहे हैं, चीनी देख रहे हैं, जितनी दूर तक आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं और ज़रूरी है कि हर घर में मौजूद हों, तो ऐश की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस बाज़ार में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके अलावा बाज़ार में फ्रूट भी मौजूद होता है, तो ऐश की बाज़ार में भी फ्रूट मौजूद है, कुछ स्पाइसेस मौजूद हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आटा, वो भी हर फैमिली के लिए यहाँ पर रखा गया है। और स्पेशल चीज़ जो इस बाज़ार की इस बार है वो है फ़िश। तमाम तर लोगों के लिए ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस बार फ़िश का एहतमाम किया गया है, हर फैमिली को यहाँ से फ़िश दी जा रही है। तो जनाब ये था ऐश का बाज़ार मेहरबान, जिसमें तमाम तर अशिया जो कि एक नॉर्मल बाज़ार में होती हैं मौजूद थी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो जनाब ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपने हमवतनों के लिए हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हर साल इसी तरह इस बाज़ार को लगाए और बेहतर से बेहतर अंदाज से लगाए। और अगर हमने यहाँ 200 से 250 लोगों की मदद की है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह 500 या 1000 लोगों की मदद कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।